हेलो स्टूडेंट्स, सरस्वती शिक्षण सदन एग्रीकल्चर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं लवप्रीत सिंह आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, एग्रोन 313, यानी कि सब्जेक्ट का नेम है वीड मैनेजमेंट। और आज का अपना टॉपिक है मेथड ऑफ हर्बिसाइड एप्लीकेशन। कहने का मतलब है शाकनाशी के प्रयोग की विधियाँ, कि अपने को शाकनाशी रसायन की कौन सी विधियाँ प्रयोग में लेनी चाहिए और कौन कौन सी इसकी विधियाँ और कौन सी अपने को प्रयोग लेनी है, जिससे कि क्या हो, खरपतवारों को अधिक नुकसान पहुँचे और फसल को कम नुकसान पहुँचे और वह विधि अधिक खर्चीली भी न हो। अपने को इस प्रकार की विधि का प्रयोग करना है जिससे कि कम खर्च के अंदर अपना क्या हो सके, अधिक लाभ हो सके। कम खर्च के अंदर जो अपने को रिजल्ट है, परिणाम है, वो खरपतवारों को नष्ट करने के अच्छे मिले। तो इसकी ध्यान रखते हुए शाकनाशी रसायनों के प्रयोग की चार प्रकार की विधियां हैं और उन चार प्रकार की विधियों को आगे बांटा गया है। तो उन चार प्रकार की विधियां जिनके मैं नाम लिखने जा रहा हूं, सबसे पहले विधि है पर्णीय प्रयोग, यानी कि जिसे फोलियर एप्लीकेशन कहते हैं, यानी कि फोलियर स्प्रेयर कहते हैं, फोलियर एप्लीकेशन कहा जाता है। इसके अंदर क्या किया जाता है कि पत्तियों और खड़ी फसल के ऊपर क्या है स्प्रे की जाती है। दूसरा है भूमि में प्रयोग यानी कि सोयल एप्लीकेशन। जो सोयल एप्लीकेशन है वो उस समय उपयोग की जाती है, यानी कि बुवाई से पहले या अंकुरण से पहले इस विधि का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट और थर्ड है अपना झाड़ियों तथा वृक्षों को नष्ट करने की विधियां। कहने का मतलब बुश एंड शर्ब कंट्रोल ट्रीटमेंट, ये आगे थर्ड। उसके बाद फोर्थ है शाकनाशियों के प्रयोग की अन्य विधियां, शाकनाशियों के प्रयोग की अन्य विधियां। कहने का मतलब इंग्लिश में अदर मेथड्स ऑफ हर्बिसाइड यूज। तो ये है अपने आज का टॉपिक जो अपना है शाकनाशी के प्रयोग की विधियां। तो शाकनाशी के प्रयोग की चार विधियां हैं। पहला है फोलियर एप्लीकेशन, जो खड़ी फसलों के ऊपर यानी कि पौधों की पत्तियों के ऊपर जो स्प्रे करते हैं। इसके अंदर कौन कौन सी विधियां हैं, पत्तियों के ऊपर स्प्रे करने की अलग बहुत सी विधियां हैं, वो आगे पढ़ेंगे। फिर भूमि में प्रयोग करने की भी जो विधियां उनको पढ़ेंगे। उसके बाद झाड़ियों तथा वृक्षों को किस प्रकार से नष्ट करने की विधियां उनके बारे में पढ़ेंगे आज। और शाकनाशियों के प्रयोग की जो अन्य विधियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं पहला पर्णीय प्रयोग। तो जो अपना सबसे पहले हेडिंग है वो है पर्णीय प्रयोग, यानी कि फोलियर एप्लीकेशन। फोलियर एप्लीकेशन के अंदर क्या होता है कि इस विधि में शाकनाशी रसायनों का प्रयोग पौधों की पत्तियों पर छिड़काव द्वारा किया जाता है, यानी कि इसके अंदर खड़ी फसल के ऊपर पौधों की पत्तियों के ऊपर इन शाकनाशियों का छिड़काव कर दिया जाता है। और इस छिड़काव करने की अलग अलग विधियाँ हैं कि किस प्रकार से छिड़काव करना है। तो इन विधियों को आगे निम्न चार भागों के अंदर बांटा गया है। तो उसमें है फर्स्ट है इसका, उसको कहते हैं उसमें है पहली हेडिंग है संपूर्ण छिड़काव। अपने बात कर रहे थे संपूर्ण छिड़काव की, जिसे इंग्लिश में ब्लैंकेट स्प्रेइंग मेथड कहते हैं, ब्लैंकेट स्प्रेइंग मेथड कहा जाता है। यानी कि इसके अंदर क्या होता है संपूर्ण छिड़काव, संपूर्ण का मतलब यानी कि अच्छी के मतलब इसके अंदर कि इस विधि के अंदर क्या है कि पूरे पौधे के ऊपर क्या है एक समान मात्रा में छिड़काव किया जाता है, यानी कि पौधे के जितने भी भाग हैं उन सभी के ऊपर जो छिड़काव है वो एक समान मात्रा में किया जाता है। इस प्रकार से जो प्रयोग किए जाने वाले शाकनाशी होते हैं वो कौन से होते हैं, वो वर्णात्मक होते हैं। कहने का मतलब वो शाकनाशी कौन से होते हैं, वर्णात्मक शाकनाशी होते हैं, जिन्हें सिलेक्टिव हर्बिसाइड कहते हैं। यानी कि इस प्रकार जो शाकनाशी हैं वो कौन से होंगे, वो सिलेक्टिव होंगे। इनका उपयोग
सिर्फ जो अपने गिने चुने खरपतवार होते हैं उनको नष्ट करने के लिए ही किया जाता है, जो अपने टारगेट वीड्स होते हैं उनको नष्ट करने के लिए ही किया जाता है। तो यह था अपना संपूर्ण छिड़काव यानी कि अच्छे तरीके ब्लैंकेट स्प्रेइंग मेथड। इसके अंदर जो छिड़काव है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसके अंदर छिड़काव है पौधे के सभी पार्ट्स पर एक समान रूप से किया जाता है। अब जो दूसरा है इसी के अंदर जो अपना परनीय छिड़काव है, फॉयलर एप्लीकेशन है, उसके अंदर जो उसका दूसरा पॉइंट है वो है सीधा अथवा प्रत्यक्ष छिड़काव, यानी कि जिसे इंग्लिश में कहेंगे डायरेक्ट स्प्रेइंग। तो डायरेक्ट स्प्रेइंग इस मेथड के अंदर क्या कहता है कि जो खरपतवार हैं वो फसल के पास वाली कतारों में उगते हैं तथा इसका छिड़काव वहाँ पे किया जाता है जहाँ पर फसलों के बीच और खरपतवार के बीच में काफ़ी क्या होता है, अंतर होता है। यानी कि कहने का मतलब इस विधि में जो खरपतवार है वो फसल के पास कतारों में उगते हैं तथा फसलों के काफ़ी बढ़ जाने के बाद उस समय छिड़काव किया जाता है जब फसल तथा खरपतवार की ऊंचाई में बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है। तो इसके अंदर ध्यान रखा जाता है कि जो अपने शाकनाशी छिड़काव कर रहे हैं उसका जो स्प्रे है यानी कि वो अपने पौधे पर न पड़े बल्कि सिर्फ ओनली उन खरपतवारों पर पड़े, जिससे क्या ओनली खरपतवार ही नष्ट हों। तो इन खरपतवारों में इन शाकनाशियों का उपयोग तब किया जाता है जब पौधे की ऊंचाई बहुत ज़्यादा हो जाती है और खरपतवार क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो क्या है, नीचे नीचे सिर्फ खरपतवारों के ऊपर इसका स्प्रे किया जाता है, यानी कि इसे डायरेक्ट स्प्रेइंग कहते हैं। उसके बाद में है थर्ड है संरक्षित छिड़काव। अब ये संरक्षित छिड़काव क्या होता है भाई, संरक्षित छिड़काव यानी कि इसे प्रोटेक्टेड स्प्रेइंग कहते हैं। प्रोटेक्टेड स्प्रेइंग का मतलब ये है कि इस विधि के अंदर जब शाकनाशियों को छिड़काव करते हैं तो जो अपना मेन क्रॉप है यानी कि जो मेन प्लांट है उन प्लांट्स को पॉलीथीन से ढक दिया जाता है, उन सभी प्लांट्स को पॉलीथीन से ढक कर फिर इस क्या है इस शाकनाशी का प्रयोग इनके अंदर शाकनाशियों का प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए इसका नाम कौन सा है, प्रोटेक्टेड स्प्रेइंग रखा गया है। तो इस विधि का उपयोग वहाँ पे किया जाता है जहाँ जो मूल्यवान और सजावटी पौधे होते हैं ना वहाँ पे इनका उपयोग किया जाता है खरपतवारों के नियंत्रण के लिए। और यह विधि बहुत ज़्यादा खर्चीली होती है और समय लगने के कारण इसका उपयोग फसलों के अंदर अपने नहीं कर सकते हैं, सिर्फ सजावटी सजावटी यानी कि बगीचों के अंदर इसका उपयोग किया जा सकता है। जो बहुत ही महंगे पौधे होते हैं उनके अंदर खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। अब इस फॉयलर स्प्रे का लास्ट पॉइंट आता है जिसका नाम है स्थानिक उपचार यानी कि लोकलाइज ट्रीटमेंट। तो इसके अंदर क्या होता है, स्थानिक उपचार के अंदर क्या होता है, स्थानिक उपचार के अंदर अपने बात करते हैं तो इसके अंदर पूरे खेत के अंदर स्प्रे न करके सिर्फ जहां पे खरपतवार बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में होते हैं, खरपतवारों के बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में होते हैं वहीं पर इसका छिड़काव किया जाता है। यानी कि कुछ खेत के कुछ ही भागों में इसका उपयोग किया जाता है जहाँ पे क्या खरपतवार बहुत अधिक है, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जहाँ पे टुकड़ों के अंदर स्प्रे किया जाता है। यानी कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कि अपना ये खेत है और यहाँ पे ये जो पार्ट हैं ये पार्ट है यहाँ पे क्या है खरपतवार बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे भी खरपतवार बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे खरपतवार बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे भी, और बीच में यहाँ पे खरपतवार कम है, तो यहाँ पे इसके अंदर पूरे खेत के अंदर स्प्रे को न करके सिर्फ इन्हीं जहाँ पे खरपतवार बहुत ज़्यादा है वहीं पे क्या ओनली स्प्रे किया जाता है, यानी कि टुकड़ों के अंदर स्प्रे की जाती है। तो इसीलिए इसे क्या स्थानिक उपचार कहा जाता है। तो यह तो था अपना पहला पॉइंट यानी कि परनीय प्रयोग यानी कि अपना स्थानिक उपचार। अब यह बात करते हैं अपने दूसरे की, तो जो अपना सेकेंड पॉइंट है वो है भूमि में प्रयोग। भूमि में प्रयोग कहने का मतलब सोयल एप्लीकेशन। अब सोयल एप्लीकेशन से अपना क्या मतलब है कि सोयल एप्लीकेशन से ये मतलब है कि भूमि में उन हर्बिसाइड का उपयोग किया जाता है जिनका उपयोग या तो बुवाई से पहले और या फिर अंकुरण से पहले करना चाहिए। तो इसीलिए इनका बुवाई के अंदर भूमि में उपयोग किया जाता है क्योंकि इनको अपने फोलियो स्प्रे के रूप में उपयोग नहीं कर सकते हैं, अगर फोलियो स्प्रे के रूप में उपयोग करते हैं तो ये अपनी पूरी की पूरी फसल को क्या नष्ट कर देते हैं। तो ये इन हर्बिसाइड का उपयोग भूमि के अंदर किया जाता है तो इसीलिए सोयल एप्लीकेशन इनको कहा जाता है। तो सोयल एप्लीकेशन के अंदर इनके अंदर जो पहला पॉइंट है अपना वो है भूमि की सतह पर प्रयोग, भूमि की सतह के ऊपर प्रयोग यानी कि सरफेस एप्लीकेशन।
सरफेस एप्लीकेशन। तो अपने बात करते हैं सरफेस एप्लीकेशन। सरफेस एप्लीकेशन क्या अंदर क्या होता है कि इसके अंदर शाकनाशियों इन शाकनाशियों को जो भूमि के ऊपरी सतह यानी कि ऊपरी सरफेस है उसके ऊपर क्या बिखेर दिया जाता है। बिखेरने का मतलब चाहे वो धूल के रूप में हो चाहे उसको सोल्यूशन बनाकर किसी भी तरह उसके ऊपर भूमि के ऊपरी परत के ऊपर क्या इसको बिखेरना है यानी कि उसका छिड़काव करना है। छिड़काव करने के पश्चात इसके अंदर ध्यान रखना कि 3 से 4 सेंटीमीटर तक इसको भूमि के अंदर गहराई के अंदर मिला देते हैं यानी कि कल्टीवेट कर देते हैं। कल्टीवेटर करने के बाद कल्टीवेटर चलाने के बाद यह भूमि के अंदर 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई के अंदर मिश्रित मिक्स हो जाता है। मिक्स होने के बाद इसके ऊपर पाटा चला दिया जाता है। इस विधि के अंदर एट्राजिन और सिमेजिन इन रसायनों का उपयोग किया जाता है क्योंकि इन रसायनों का उपयोग ज़्यादातर इसके अंदर अपने शुगर कैन सोरगम इनके अंदर किया जाता है क्योंकि अगर खड़ी फसल के अंदर इनका उपयोग करते हैं तो जो है क्रॉप की हाइट ज़्यादा होने के कारण क्या है कि ये जो अपनी हर्बिसाइड है वो नीचे खरपतवारों तक पहुँच नहीं पाते हैं, तो इसीलिए इनका उपयोग बुआई से पहले करते हैं या अंकुरण से पहले भी अपने क्या इसका उपयोग कर सकते हैं। और इसकी शर्त यही है कि इनको उपयोग करने के पश्चात इनको 3 से 4 सेंटीमीटर तक भूमि के अंदर मिलाना आवश्यक है, तभी अपना पूरी रूप से कार्य करेंगे, अपने को अच्छा रिजल्ट देंगे। तो ये था भूमि की सतह पर प्रयोग। अब जो दूसरा है वो है अधोसतह में प्रयोग। पहला तो था सरफेस में, अब दूसरा है सब सरफेस एप्लीकेशन। सब सरफेस एप्लीकेशन तो आपको पता ही है कि सरफेस के नीचे होती है, तो सरफेस की जो अपनी गहराई थी वो 3 से 4 सेंटीमीटर थी, तो इसके अंदर क्या किया जाता है इनको 10 सेंटीमीटर की गहराई के अंदर इन शाकनाशियों को भूमि के अंदर 10 सेंटीमीटर गहराई पर मिक्स करते हैं और मिक्स करने के पश्चात इनके ऊपर पाटा चला दिया जाता है। और इस विधि का उपयोग ज़्यादातर चुकंदर व तंबाकू में खरपतवारों के नियंत्रण के लिए किया जाता है। तो ये तो हो गया अपना अधोसतह में प्रयोग। उसके बाद अपना जो थर्ड है और दूसरे पॉइंट का अपना जो लास्ट है वो है मृदा दुम्बक यानी कि सोयल फमिगेंट्स। तो इसके अंदर क्या होता है कि इनके अंदर जो शाकनाशियों का घोल बना लिया जाता है, घोल बनाने के बाद उनके अंदर इतना ज़्यादा दबाव डाला जाता है कि वह गैस रूप में बदलकर उनका छिड़काव भूमि के अंदर किया जाता है। गैस रूप में होने के बाद यह पूरे के पूरे खेत को अच्छी तरह से ढक लेती है। और इस विधि का उपयोग हमेशा बंजर भूमियों के अंदर खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। कभी भी इनका उपयोग एक्सटेंड क्रॉप के अंदर यानी कि जो कल्टीवेटेड एरिया है, जो एग्रीकल्चर लैंड है, वहाँ पर इसका उपयोग नहीं करते हैं। इनका उपयोग सिर्फ वेस्ट लैंड के अंदर ही किया जाता है और इसके अंदर इतना ज़्यादा दबाव डाला जाता है कि इनके ऊपर की वो जो अपना सोल्यूशन है वो इसके अंदर गैस के अंदर ट्रांसफर हो जाए, परिवर्तित हो जाए। तो इस प्रकार से इस विधि का उपयोग हमेशा वेस्ट एंड के लिए किया जाता है। तो ये तो थी अपनी दूसरा पॉइंट की भूमि के अंदर सोयल एप्लीकेशन के जो 3 मेथड थे। उसके बाद जो अपना थर्ड पॉइंट आता है, जो अपना थर्ड था वो है अपना झाड़ियों तथा वृक्षों को नष्ट करने की विधियाँ। झाड़ियों तथा वृक्षों को नष्ट करने की विधियाँ, कहने का मतलब मेथड ऑफ हर्बिसाइड एप्लीकेशन टू कंट्रोल शर्ब्स एंड ट्री। तो इसके अंदर क्या होता है, अब बात करते हैं अपने झाड़ियों तथा वृक्षों को नष्ट करने की कौन सी विधि है। तो क्या है, झाड़ियों वृक्ष तथा काष्ठीय पौधों के नियंत्रण के लिए रासायनिक विधि अन्य विधियों की अपेक्षा बहुत ही उपयोगी है क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है, उनका क्षेत्रफल भी बड़ा होता है वृक्ष डाड़ियों का, तो इनके अंदर क्या है मेहनत भी अधिक लगती है। तो इनको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है, अगर बहुत ज़्यादा एरिया के अंदर ये झाड़ियाँ और वृक्ष हैं तो इनका हवाई विधि के द्वारा इनके ऊपर किसका शाकनाशियों का छिड़काव कर दिया जाता है, जो कि एक आसान तरीका है जिससे कि बड़े क्षेत्र को आसानी से झाड़ियों से मुक्त किया जा सकता है, खरपतवारों को नष्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर छोटा क्षेत्र है तो वहाँ पर क्या करते हैं कि इन वृक्षों को काट दिया जाता है। काटने के बाद इनके तनों पर लेप शाकनाशियों का लेप कर दिया जाता है, या लेप करने के अलावा इनके ऊपर क्या है फोलियो स्प्रे का भी उपयोग कर सकते हैं, फोलियो स्प्रे भी कर दी जाती है। अगर उससे कई बार क्या करते हैं कि ज़्यादा टेक्निकल जो आदमी होते हैं वो क्या करते हैं, जो टेक्नीशियन होते हैं वो इनको इनके तनों के अंदर क्या छेद करके उनके अंदर इंजेक्टर कर देते हैं यानी कि उनके तनों के अंदर शाकनाशियों को डाल देते हैं, जिससे वो जाइलम फ्लोएम के द्वारा पौधे के पूरे सिस्टम के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और उसको नष्ट कर देते हैं।
तो कभी कभी क्या किया जाता है कि जो अपने आजकल खेतों के अंदर टेक्निक अपनाते हैं कि खरपतवार झाड़ियों उनके आस पास गड्ढा खोद कर वहाँ पे क्या उनकी जड़ों के पास क्या अपने सीधे उनकी भूमि के अंदर यानी कि बेसल ट्रीटमेंट कर देते हैं, यानी कि आधार उपचार कर देते हैं, उनके जो जड़ों में वहाँ पे शाकनाशियों के घोल को डाल दिया जाता है, जिससे क्या है वहाँ का पूरा वो ट्री है या जो झाड़ी शर्ब है वो पूरी की पूरी क्या हो जाती है, सूख जाती है। तो इस प्रकार से इनका नियंत्रण किया जाता है। और अगर इनको आगे बांटना भी चाहें तो इनको कई तरह से बांट भी सकते हैं। जैसे कि बात करें तो झाड़ियों की फर्स्ट की, तो अगर बात करें तो इसके अंदर जो पहला है वो है बेसल ट्रीटमेंट यानी कि आधार उपचार, जो कि इसके अंदर क्या है जड़ों के पास पौधे के पास गड्ढा खोद कर उसके अंदर क्या है शाकनाशियों का उपयोग करना है, इनकी जड़ों के द्वारा उनको शाकनाशी देना, तो ये है बेसल ट्रीटमेंट है अपना। और दूसरे की अगर बात करें तो इंजेक्शन विधि यानी कि इंजेक्शन मेथड। तो इंजेक्शन मेथड के अंदर क्या होता है, अपने मैंने आपको बताया क्या है इसके अंदर क्या होता है कि कुछ वृक्षों के तनों के अंदर छेद करके इनके अंदर शाकनाशियों को डाला जाता है, जिससे क्या होता है जाइलम फ्लोएम के द्वारा पौधे के पूरे सिस्टम के अंदर ये क्या है प्रवेश कर जाते हैं। और जो अपना तीसरा जो अपने पीछे पढ़ के ही आए हैं फोलियर एप्लीकेशन, तो फोलियर एप्लीकेशन अपने पढ़ के हैं, तो फोलियर एप्लीकेशन के अंदर आपको पता है कि इसके अंदर पन्नी छिड़काव किया जाता है। तो ये तो थे अपने कौन सा झाड़ियों तथा वृक्षों को नष्ट करने की अपनी विधियाँ। तो अब अपने बात करते हैं अपने लास्ट की, जो अपना फोर्थ था और जो अपना लास्ट है, यानी क्या था शाकनाशी के प्रयोग की कुछ अन्य विधियाँ यानी कि अदर मेथड्स ऑफ हर्बिसाइड एप्लीकेशन। तो अदर मेथड ऑफ हर्बिसाइड एप्लीकेशन के अंदर जो अपना फर्स्ट मेथड है वो कौन सा है, जार मेथड। इस विधि का जो उपयोग है वो कहाँ पे किया जाता है, जो इतने भी ड्राई लैंड क्षेत्र के अंदर जो वीड उगते हैं ना तो वहाँ पे इनका उपयोग किया जाता है। ड्राई लैंड क्षेत्र के अंदर वीडों के अंदर नियंत्रण के लिए जार मेथड का उपयोग करते हैं। वहाँ पे क्यों करते हैं, क्योंकि जो ड्राई लैंड यानी कि शुष्क क्षेत्रों के अंदर जो खरपतवार उगते हैं उनकी जड़ें बहुत ही अधिक गहरी होती हैं, तो अपने क्या उनके अंदर सोइल ट्रीटमेंट तो अपने उनका कर नहीं सकते, सोइल ट्रीटमेंट के लिए करना है तो अपने को मॉइस्चर भी चाहिए, तो ड्राई लैंड एरिया के अंदर वहाँ पे भी अपने क्या पहले ही मॉइस्चर क्या होता है कम होता है, तो अपने क्या करते हैं इस मेथड का उपयोग करते हैं। इस मेथड के अंदर क्या किया जाता है कि चौड़े मुँह वाले ना शीशा होता है, शीशे का जो जार बना होता है उसका उपयोग किया जाता है। उस जार के अंदर क्या किया जाता है, केमिकल को भर लिया जाता है, अपना जो सोल्यूशन है उसको भर लिया जाता है। सोल्यूशन को भरने के बाद उसके अंदर एक खरपतवार के पौधे को पकड़ा जाता है, उस जार के अंदर अच्छी तरह उसको डुबोया जाता है यानी कि डिप किया जाता है। डिप करने के बाद वो क्या होता है कि वो उसकी पत्तियों के ऊपर लग जाता है, जिसके वो खरपतवार से क्या अवशोषण कर लेता है। तो इस प्रकार से इस मेथड का उपयोग खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। उसके बाद जो दूसरा है, इसका दूसरा मेथड है वो अपना है वैक्स बार मेथड। यानी कि वैक्स बार मेथड का कहने का मतलब है मोम छड़ी विधि। के अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि एक जो मोमबत्ती होती है वो किसकी बनी होती है, वो रसायनों की बनी होती है, मोमबत्ती बनी होती है। तो इसका उपयोग जो लंबे बढ़ने वाले यानी कि जिनका तना लंबा होता है, लंबे बढ़ने वाले और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए अपने करते हैं। कहने का मतलब है कि एक मोमबत्ती है जो रसायन मिक्स करके बनाई गई है, जिसका उपयोग लंबे बढ़ने वाले व चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। तो इसका यूज़ कैसे करते हैं, इस विधि में मोम मिले जो रसायन है उनको यानी कि जिस जो मोमबत्ती है जिसके अंदर रसायन मिले हुए हैं उसको वृक्षों के तणों पर व अन्य वनस्पतिक भागों के ऊपर क्या है रगड़ दिया जाता है। रगड़ दिया जाने के कारण होता है कि ये रसायन है जो उसके साथ तने के साथ पत्तियों के साथ चिपक जाते हैं और पत्तियों के द्वारा उनके अंदर अवशोषित कर लिए जाते हैं, जिससे क्या है धीरे धीरे वो खरपतवार क्या हो जाता है नष्ट हो जाता है। उसके बाद अपने जो थर्ड है उसका नाम है शाकनाशी पलवार। अब शाकनाशी पलवार की बात करें तो जिसे हर्बिसाइड मल्चिंग कहते हैं, इस विधि में क्या होता है कि ढीले बने हुए पतले तथा हल्के कपड़े को, जो हल्का कपड़ा होता है उसको शाकनाशी रसायन के अंदर भिगोकर
और खरपतवार नष्ट करने वाले स्थान के ऊपर क्या बिछा दिया जाता है, और कपड़े को सिकुड़ने से बचाने के लिए मिट्टी के ढेलों या पत्थर के टुकड़ों से उसको क्या दबा दिया जाता है। यानी कि कहने का मतलब है जो भी, यानी कि मान ये अपना एरिया है, यहाँ पे खरपतवार और कपड़े को नष्ट करना है, तो यहाँ पर इतने साइज का जो है कपड़ा लिया जाता है, कपड़े को क्या कहता है सोल्यूशन के अंदर डाल दिया जाता है, सोल्यूशन के डाल के इस कपड़े को इस स्थान के ऊपर बिछा दिया जाता है, और इसके चारों तरफ क्या है मिट्टी के ढेले या कुछ पत्थर रख दिए जाते हैं जिससे कि ये कपड़ा उड़े नहीं और सिकुड़े नहीं। तो उसके बाद टुकड़े दबा दिया जाता है, कपड़े में लगा हुआ रसायन वर्षा तथा सिंचाई जल के साथ घुलकर क्या है भूमि की सतह के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। और इस विधि का इसके अंदर क्या होता है, जो कपड़ा होता है वो थोड़ा सा बारीक व हल्का होने के कारण क्या है एक ही फसल के अंदर काम आता है, और गल करके वो नष्ट हो जाता है। रसायन लगा हुआ तो नष्ट होगा ही, गीला होगा तो वो क्या है वहीं पर नष्ट हो जाता है।